इस वारी एक चीज़ जी उभर के सामने इस वारी जी पहला नालों फर्क है वो ये हैगी कि अगर घर के एक मैंबर नू हो रहा है तो नाल दे नाल ही अगे चार पांच मैंबर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। हमेशा खाने तो पहला असी अपने हाथ जरूर धोने हैं, मतलब यह सब तो पहली चीज़ हैगी। क्राउडेड प्लेस जिस तरह की मैं क्या मॉल्स वगैरह से जा रहे हैं तो अगर असी मास्क वगैरह पा लें तो वो साढ़े लिए एक सानू प्रोटेक्शन देता है। सरकार उस तौर पर उन्ना उन्हें एमरजेंसी की तरह नहीं लैन की लोड़ हैगी, उस तरह की चीज़ नहीं है। इस टाइम इन्ने केसिस नहीं रिपोर्ट हो रहे। जूसिस, सूप, सैलड, सो ये सारिया चीज़ा इंपोर्टेंट होंदिया ने बॉडी लिए। तो जिस वेले असी बीमारी नाल लड़ रहे हैं सानू विटामिन वगैरह की एक्सट्रा थोड़ी लोड़ होंदी है, जिहड़ी कमियां इन्हां चीज़ों नाल पूरियां होंदियां ने। तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी, मैं हाँ संदीप शर्मा। मौसम ने जिहड़ी बदलाव की दस्तक दित्ती है, लेकिन कित ना कि हुमस और जिहड़ी तेज़ गर्मी है लोगों को अज के दिन जिहड़ा पसीना आ रहा उस दे नाल हस्पतालों के जिहड़े मरीज़ों को बुखार की जिहड़ी संख्या वो लगातार वधदी नज़र आ रही है। कारण की है, किहड़ा फीवर है? वायरल फीवर कहा जाता, लेकिन हस्पतालों में इन्हां दी जिहड़ी संख्या वह वधदी जा रही है, कारण की है? और इस बारे गल करते हैं शहर के प्रमुख डॉक्टर ना, ये वायरल फीवर की है तो किस तरह इहदी प्रिकॉशन और की सावधानी रखनी चाहिए? सर स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी। सत श्री अकाल सारिआं नूं। दैनिक सवेरा दे टीवी देखण वाले सारे ऑडियंस नूं मेरे वल्लों एक सत श्री अकाल। तो आजकल जिहड़ा वायरल बुखार चल रहा है उहदे विच ऑलमोस्ट असी 15-20 पेशेंट रोज़ देख रहे हैं। तो इस वारी एक चीज़ जिहड़ी उभर के सामने इस वारी जिहड़ी पहलां नालों फर्क है वो ये हैगी कि अगर घर के एक मैंबर नूं हो रहा है तो नाल दे नाल ही अगे चार पांच मैंबर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो घर दे विच बहुत तेज़ी दे नाल ये फैल रहा है। सो इस करके ये सानू बचाव सब तो पहली चीज़ होंदी है कि असी इहनूं बचाव असी अपने वल्लों किस तरह कर सकते हैं कि ना होवे सानू। तो उहदे वास्ते दो चीज़ां इंपोर्टेंट होंदियां ने। पहली चीज़ है परसनल प्रोटेक्शन या प्रिकॉशनस जिहड़ियां आपां कह सकते हैं। यूनिवर्सली मतलब सब तो जिहड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ हैगी है कि असी कुछ भी खाण तो पहले असी अपने हाथ धोंदे हाँ, तो उस चीज़ नूं असी स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। किसी भी चीज़ नूं असी टच करते हैं, आपां काम करते हैं, घर 'च भी बैठे हाँ, तो असी इस तरह ही किसी चीज़ नूं बैठे हुए खाण ना लग जाइए। हमेशा खाने तो पहला असी अपने हाथ जरूर धोने हैं, मतलब यह सब तो पहली चीज़ हैगी है। दूसरी चीज़ हैगी है कि जदों असी पब्लिक प्लेस पर जाने हाँ, असी ट्रैवल करते हैं या भीड़ वाली जगह पर असी बैठे हैं या असी मॉल 'च विजिट कर रहे हैं या किसी स्टोर पर जा रहे हैं, तो उत्थे अलग अलग तरह के लोग आते ने, सानू असी उन्होंने जानते नहीं किहड़े बंदे नू की इन्फेक्शन है की प्रॉब्लम चल रही है। सो सानू अपना एक डिस्टेंस मेनटेन करना चाहिए है। तो दूसरा अगर असी क्राउडेड प्लेस जिस तरह की मैं क्या मॉल्स वगैरह से जा रहे हैं तो अगर असी मास्क वगैरह पा लें तो वो साढ़े लिए एक सानू प्रोटेक्शन दिंदा। तो ये चीज़ा जड़िया सिंपल जिया चीज़ा ने जिड़िया सानू बचा सकदिया ने। तो जे आप गल करिए खाने की, तो ये जड़ा बरसात का मौसम होंदा है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम होंदा है, इहदे विच इन्फेक्शन वैसे ही थोड़ी ज़्यादा होंदी है क्योंकि ह्यूमिडिटी करके कुछ वायरसिस कुछ फंगस ये चीज़ा ज़्यादा ग्रो कर दया ने एनवायरमेंट के विच, ते जिहड़ियां सानू इन्फेक्शन कर देंदियां ने नुकसान पहुँचा देंदियां ने। अजकल जिहड़ा बुखार चलिया होया जिहदे विच गला खराब हो रहा है, बुखार हो जाता है, शरीर बहुत दुखदा है, जुकाम होंदा है, पंजाबी च आपां उहनूं हड्ड भंडणी कह दिंदे आ, लत्तां दुखदियां चलिया नहीं जाता, तो तेज़ बुखार आ रहा है। सो ये सारिया जिहड़े लक्षण ने इस बीमारी दे या इस इन्फेक्शन दे, ते इहदे विच वायरस दीआं दो तीन किस्मां ने जिहड़े वायरस इस इन्फेक्शन नूं कॉज करदे ने। ते असी रीसेंटली पिछले कुछ सालों तो कोविड नाल भी लड़दे आ रहे हैं,
तो हुण भी थोड़े बहुत केसिस रिपोर्ट हो रहे ने, हिंदुस्तान च भी रिपोर्ट हो रहे ने, उहदे विच म्यूटेशन होकर कई वेरियंट्स दुनिया च इस टाइम चलते पे ने, तो बट उन्हां दा लोड इन्ना ज़्यादा नहीं है, मतलब डिजीज़ बर्डन जिन्हों आपां कहने आ या बीमारी इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी है कि सरकार उस तौर पर उन्ना उन्हों एमरजेंसी की तरह नहीं लैण की लोड हैगी, उस तरह की चीज़ नहीं है इस टाइम, इन्ने केसिस नहीं रिपोर्ट हो रहे। सो ये जड़ा आम गले का बुखार है, वायरल बुखार है, नॉर्मली पहला क्या होंदा सी कि एक दो दिन तीन दिन बुखार रहा तो ठीक हो जाता सी, हुण इस साल दे जिहड़े बुखार चल रहे हैं लोगों का बुखार बड़ी लंबे टाइम लिए परसिस्ट कर रहा, हफ्ता दस दिन मतलब बुखार चलता रहता, तो नाल बाकी दे सिम्पटम्स चलते रहते हैं। हुण इस बीमारी दे विच सब तो ज़्यादा प्रिकॉशनस जिहड़ियां ने छोटे बच्चों और बजुर्गों, ये सब तो ज़्यादा मतलब इनू कहिंदे कि एज ग्रुप ने जिन्हां नूं ये चीज़ ज़्यादा तंग करती है, इफेक्ट करती है। हुण बजुर्गों दे विच होर बीमारियां भी नाल हो सकदियां ने, किसी नूं शूगर है, किसी नूं ब्लड प्रेशर है, किसी नूं लिवर की प्रॉब्लम है, किसी नूं किडनी की प्रॉब्लम है, तो जदों इहो जिहे किसी मरीज़ नूं ये बुखार आता है तो इस तरह की इनफेक्शन होंदी है तो शरीर बहुत ज़्यादा डाउन जाता उहनां दा। ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 15-20 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਲੱਸ ਸਿਮਟਾਮੈਟਿਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਫੀਬਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਟੱਪਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਵਾਇਰਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਟਮਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਏਜ ਔਰ ਵੇਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਸਟਲੀ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਜਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਸ਼ ਟੂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਭਾਰੀਪਨ ਲੱਗੇ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਰਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਡਾਇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਇਟ, ਫਰੂਟਸ, ਜੂਸਿਸ, ਸੂਪ,
सैलड। सो ये सारिया चीज़ा इंपोर्टेंट होंदिया ने बॉडी लिए। तो जिस वेले असी बीमारी नाल लड़ रहे हैं सानू विटामिन वगैरह की एक्सट्रा थोड़ी लोड़ होंदी है, जिहड़ी कमियां इन्हां चीज़ों नाल पूरियां होंदियां ने। इस अगर इस वायरल फीवर करके लोग जंक फूड का इस्तेमाल ना करन या ऑयली चीज़ें ना खान बार। देखो बार का फूड वैसे इस मौसम रेनी सीजन दे विच वैसे ही एडवाइज्ड नहीं होंदा, एंड स्पेशली जिहड़ियां ठंडियां चीज़ा होंदियां ने वो बिल्कुल ही नहीं खानियां चाहिदियां। उहदे तों इनफेक्शन ना सिर्फ गले की इनफेक्शन ईवन पेट खराब की इनफेक्शन का भी रिस्क रहिंदा है, तो वो फिर प्रॉब्लम तुहानूं मल्टीप्लाई हो जाती है उहदे नाल। सो बाहर दा खाना साफ सुथरा होए, जिन्ना अच्छी जगह तो होए। स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जड़ा रोड साइड ते रेड़िया दे उत्ते या स्टॉल्स लगे हैं बाहर वाली साइड ते, वो तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। उदे च तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होंदा, डर भी होंदा, नाल बीमारियां होर कई तरह दी आ जांदी है। सो ये सन लुधियाना दे माहिर डॉक्टर अजकल जो वायरल फीवर फैलिया की लक्षण होंगे आ और की वो इलाज है, तुहानू डॉक्टर साहब डॉक्टर नवजोत सिंह से तुहानू इहदियां इहदे लक्षण सिमटम भी दसे आ और इहदे इलाज भी दसे आ। सब तो पहला एक जड़ी आम जो ये वायरल फीवर होंदा तां गले तो स्टार्ट होंदा है दस दिए थी, और एक डॉक्टर साहब वो डॉक्टर नवजोत सिंह वो खास कर उन्हें घरेलू जड़े अपना इलाज करते हैं, तो एक बहुत वड्डा मैसेज है डोंट टेक योर मेडिसिन ऑफ योर ओन, मतलब अपने घर दियां दवाइयां दा तुसीं इस्तेमाल ना करो। तुहाडे घर च अगर एक मरीज़ है दो है तो हर मरीज़ की दवाई हमेशा अलग होगी, चाहे वायरल फीवर सेम क्यों ना होवे। इस दे नाल ही जंक फूड बार स्ट्रीट फूड की गल की गई है, इस मौसम दे विच जंक फूड और स्ट्रीट फूड का बिल्कुल इस्तेमाल ना करो, और कोशिश करो वध तो वध अपने आप नूं आइसोलेट करन वास्ते घर विच आइसोलेट रखो। उस दे नाल ही अगर तुसीं किसे बाहर जाने तो हमेशा अपने हाथ नूं साफ सुथरे रखो, वाश करो। इस दे नाल ही जिहड़ी होर गल कीती है कि तुहानूं एक या दो दिन तो बाद बुखार तुहानूं सिमटम लगदे ते इमीजिएटली अपने नज़दीकी फैमिली डॉक्टर नूं मिलके इसका प्रॉपर इलाज लोड़ पैन अनुसार जल्दी करा लो। लेकिन जिहड़ा वायरल फीवर है इहदा असर 10 तो 15 दिनों तक रहिंदा, अगर उस पेशेंट इम्यूनिटी डिपेंड करता है। लेकिन अजकल दे जिहड़े जंक फूड है या स्ट्रीट फूड है और अपने आप नूं जिहड़ा तुसीं लोक बाहरली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं इसका इस्तेमाल ना करो। कैमरामैन बॉबीना संदीप शर्मा, दैनिक सेवा टीवी लुधियाना।